दुनिया भर में 52 लाख से ज्यादा और हमारे भारत में करीब 5 लाख मौतों का जिम्मेदार कोरोना वायरस अब फिर से अपना कहर बरपाने आ रहा है। जी हाँ, जिस वायरस ने देश में तबाही का मंजर दिखाया था, वो अब तीसरी बार हमें काल के गाल में डालने के लिए आ रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है, जिसमें अब तक 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। वैज्ञानिक इसे डेल्टा व डेल्टा प्लस से भी ज्यादा संक्रामक बता रहे हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 2 सालों में कोरोना लाखों जान ले चुका है। कई देशों को ये संक्रमण इतनी बुरी तरह तोड़ चुका है कि उनकी अर्थव्यवस्था 4 से 5 साल पीछे खिसक गई है। इसी बीच एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया में दस्तक दे दी है। ये नया B11529 वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि म्यूटेशन के मामले में इस नए वेरिएंट ने अब तक के सामने आए सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। ये नया संक्रमण डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है और उससे कहीं ज्यादा संक्रामक भी है। कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 26 मामले सामने आए हैं और ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में फैल चुका है। कोरोना संक्रमण के काबू में होने के बाद धीरे धीरे सभी देशों ने अपने अपने दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खोलने शुरू किए थे। इस बीच नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया को डरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में सामने आए नए वेरिएंट के बाद ब्रिटेन ने 6 दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के संक्रमण का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाली सभी यात्रियों की कड़ी जांच व परीक्षण किया जाए। इसको लेकर केंद्रीय राज्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। हालांकि देश में अब तक कोविड वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। WHO के यूरोप के निदेशक डॉक्टर हंस क्लूगे ने आगाह किया है कि तत्काल उपायों के बिना इस महाद्वीप में गर्मियों तक 7 लाख और लोगों की मौत हो सकती है। ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए यूरोपीय संघ ने आपातकालीन रोग का तंत्र स्थापित किया है। जब किसी तीसरे देश या क्षेत्र में महामारी की स्थिति तेजी से बिगड़ती है, तो सदस्य देश यूरोपीय संघ में सभी यात्रा पर तत्काल अस्थायी पाबंदी लगा सकते हैं। ऐसी पाबंदियों की कम से कम हर 2 सप्ताह में समीक्षा की जानी होती है। ये तो रही ब्रिटेन की बात, अब भारत सरकार इस नए वेरिएंट को रोकने के लिए क्या तरकीब आजमाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, द भारत TV।